अगर जो बाइडन को लगता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी नहीं है, तो फिर उन्होंने हमें F-16 के लिए जो है वो पैकेज क्यों दिया है? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। और ये जो न्यूक्लियर वेपन है, असल में उनको खुद से टेंशन है, हमारे वेपन से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर हमारी यूनिटी भांजे ना, तो ये हमसे एड लिया करें, हम इनसे नहीं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आपने कहा कि इंडिया ने वो गलती से मिस फायर नहीं किया था, वो हो गया था, लेकिन आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ मिसाइल था। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे उसमें न्यूक्लियर वेपन होता, लेकिन वो अल्लाह ना चाहे तो कैसे हो सकता है? कोई सेंस है इस बात की? ये तो उनके बंदे जो उन्होंने कहा है कि नहीं वो हमने टर्मिनेट कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं किया। अमेरिका जो बेसिकली ना ये सास है पाकिस्तान की, ये किसी हाल में खुश नहीं रहती, वो खुश रहते ही नहीं। जब काम हो तो कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और जब काम गुजर जाए तो फिर उसको कहते हैं तुमसे बुरा कोई नहीं है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो अभी अभी रीसेंट टॉपिक के ऊपर है, जो कि जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दे दिया, और उस स्टेटमेंट के बाद भाई और क्या होने वाला है, पूरा पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है, और क्यों ना मचे। वैसे इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद पाकिस्तानियों का तो बहुत ही अलग ही मतलब रूप देखने को मिला है, अलग ही तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं लोगों से इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। कहीं कोई कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये साजिश है, कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्यों नहीं बात उठाएगा, मतलब कुछ भी, सच में मतलब कुछ भी। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो को एंड एंजॉय करते हैं फटाफट से। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सर, जो बाइडेन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, अगर पाकिस्तान के हालात मजीद खराब से खराब तर होते हैं तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं गलत हाथों में चले जाएंगे और ये गलत तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जी, इसमें राय मेरा ख्याल है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि हमें अपनी जो आर्मी है उन पर ट्रस्ट है, और अमेरिका जिस हिसाब से बात कर रहा है वो एक और है, लेकिन हमारी आर्मी मेरा ख्याल है बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, और तमाम जितने भी अदारे हैं वो सब बेस्ट हैं। और ये जो न्यूक्लियर वेपन है, असल में उनको खुद से टेंशन है, हमारे वेपन से, इसलिए वो हमें ये मिसगाइड्स कर रहे हैं कि ये किसी तरीके, हाँ इनमें थोड़ा साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, बल्कि फर्स्ट स्टेप का इफ़ेक्ट है कि हम लोगों की यूनिटी नहीं है। अगर हमारी यूनिटी भांजे ना, तो ये हमसे एड लिया करें, हम इनसे नहीं। तो मेरा तो ज़ाती यही राय है कि ऐसा ही होना चाहिए। सर, अगर जो बाइडेन को लगता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी नहीं है, तो फिर उन्होंने हमें F-16 के लिए जो है वो पैकेज क्यों दिया है? ये भी देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने क्यों दिया। वो सिर्फ हमसे एक, मेरा ख्याल है कि वो हमसे सिर्फ एक ना राज शेयर कर रहे हैं कि इनके पास क्या क्या है। अभी देखें ना, आप इंटरव्यू कर रही हैं तो मुझे पता चलेगा ना कि आपके अंदर दिल में क्या है, आप क्या पूछना चाह रही हैं। तो वो मेरा ख्याल है हम लोगों से, हम लोगों की जो यूनिटी है, गवर्नमेंट है, उनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास क्या। आप देखें इतना वो क्यों इतने मिलियन डॉलर्स की जो है वो दे रहे हैं कि जी इधर भेजें प्लेन हम ठीक करें, वो क्या करेंगे इसमें? सर, हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस स्टेटमेंट पर जो बाइडेन की रिएक्ट करते हुए कहा है कि इंडिया क्या जो है ब्रामूज मिसाइल पिछले दिनों पाकिस्तान की जानिब मिस फायर हो गया था, तो क्या पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के न्यूक्लियर सेफ्टी पर सवालिया निशान नहीं बनता? नहीं, लाजमी बात है। देखें, उनका वो बेसिक मिस फायर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से तो एक्यूरेट जो भी करना था वो किया, लेकिन वो हमें अल्लाह ने अपनी रहमत से सेफ रखा, और कुछ हम लोगों की जो माशाल्लाह आर्मी है वो दी बेस्ट है, उसने ऑलरेडी उनको उसी टाइम ही बता दिया। और ये जो बिलावल साहब बोलते हैं कि नहीं वो ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, बेसिक वही यूनिटी की फिर बात आ गई ना कि हम लोग कमेंट्स तो करते हैं लेकिन अंदर को नहीं ना फॉलो कर रहे, हमें बेसिक अंदर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। सर, ये जो ब्रामूज मिसाइल इंडिया का गलती से मिस फायर हुआ था या जो भी मामला थे, इंडिया ने बाद में इस पर
तफ्तीश करते हुए, तहकीक करते हुए जो है अपने 3 जो ऑफिशियल थे उनको ड्यूटी से फायर कर दिया था। फायर कर दिया था बिल्कुल, वो इसीलिए उन्होंने फायर किया कि दैट इज हिज मिस्टेक। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मिस्टेक, ये कोई छोटा पटाखा तो नहीं ना चल रहा जो दूसरी कंट्री पे जा रहा है और ये एक बड़ा हम बोलेंगे कि छोटा सा एक मिस फायर है। तो ऐसा नहीं है, असल में इंडिया भी चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसको उधर से मिलता नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ आर्मी और हम लोगों के ये सारे इदारे। आपने कहा कि इंडिया ने वो गलती से मिस फायर नहीं किया था, वो हो गया था, लेकिन आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ मिसाइल था। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। हो सकता था बिल्कुल, लेकिन वो अल्लाह ना चाहे तो कैसे हो सकता है। ये तो उनके बंदे हैं जो उन्होंने कहा है कि नहीं वो हमने टर्मिनेट कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं किया। आपको ये नहीं लगता कि हमारे डिफेंस सिस्टम पर ये सवालिया निशान है, क्योंकि काफी देर तक वो हमारी हदूद के अंदर रहा लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सका था। मैं समझता हूँ कि इसमें शायद में भी कोई मिस्टेक हो, लेकिन इससे पहले भी जो कुछ मामला चले, मेरा ख्याल है कि वो भी हम लोगों की बाउंड्री पे आए भी नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। उसकी रीज़न क्या थी? तो कभी अगर मेरा ख्याल है 100 में से 1 टाइम 2 टाइम मिस्टेक भी हो जाए तो मेरा ख्याल है उसको हम मिस्टेक नहीं कहते। तो ये हुआ, होना तो नहीं था चाहिए, ये उधर ही उनकी तरफ गिरना चाहिए था लेकिन वो इधर आ गया। तो ऑब्वियसली इन लोगों की भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि क्यों नहीं उस चीज़ को फोकस हो पाया। तो इसमें भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा फिर कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी। सर, जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बिना किसी यूनिटी के, हमारे मुल्क में यूनिटी नहीं है, अगर हमारी सियासत कोलैप्स करती है या हमारे मुल्क में कोई मसला पेश आता है तो ये न्यूक्लियर पावर जो है वो गलत हाथों में जा सकती है और नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल झूठ है, वो बुजुर्ग आदमी है, मेरे ख्याल से अमेरिका के सबसे बूढ़े बुजुर्गों में से हैं ये, तो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो एटमी जो भी है, एटमी के जितने भी है सेफ है, इससे पहले इससे भी खतरनाक हालात रहे हैं जरदारी दौर में, मुशर्रफ दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। तो शायद हो सकता है वो बुज़ुर्ग हैं तो उनसे कोई ऐसी बात हुई हो, ऐसी बातें हमारे गली मोहल्ले के बुज़ुर्ग भी करते हैं तो इनको इग्नोर ही करना चाहिए। जो बाइडन, अमेरिका एक तरफ हमें F-16 का पैकेज दे रहा है, ठीक है, ताकि हम उन्हें अपग्रेड करें, दूसरी तरफ वो हमारे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? अमेरिका जो बेसिकली ना ये सास है पाकिस्तान की, ये किसी हाल में खुश नहीं रहती। तो ये इसका यही है कि जब काम हो तो, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने अपने फौज को यहाँ से, उनकी फौज को यहाँ से निकाला है तो वह वो रिस्पेक्ट कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान को बहू है, वो खुश रहते ही नहीं है। जब काम हो तो कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और जब काम गुजर जाए तो फिर उसको कहते हैं तुमसे बुरा कोई नहीं है। सही। हमारे जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने, उन्होंने इसके रिएक्ट में एक जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों इसी साल इंडिया की जानिब से जो है ब्रह्मोस मिसाइल गलती से मिस फायर कर दिया गया था पाकिस्तान पर, तो क्या उनके न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी पर सवालिया निशान नहीं है? नहीं, उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है जो है ना, बेसिकली आप ये देखें इंडिया गैर मुस्लिम है, तो पूरी दुनिया में ये एक तारीख है कि मुसलमान के मुखालिफ ही काफिर आया। तो इंडिया से तो हज़ार गुना बेहतर है हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, जो हज़ार गुना बेहतर है। तो ये बिलावर ने भी जो कहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका के कुछ मफादात हैं, आपको ये बताया कि ये सास और बहू वाला खेल है, लेकिन कुछ हमारी बदकिस्मत ये कि हमारे सियासतदान भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं कि वो जब इनके टुकड़ों पर ही पलते हैं अमेरिका के। आपने कहा कि हमारा डिफेंस सिस्टम इंडिया से बहुत बेहतर है, तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूँ, इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर हमसे बहुत गुना ज़्यादा आगे है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट तरह के वेपन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, डिफरेंट मिसाइल लॉन्च किए हैं, जंगी बेड़े जो उन्होंने वो तैयार किए हैं, उसके अलावा उन्होंने जो है एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं वो तैयार किए हैं, मतलब वो बहुत आगे हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं, हर तरह का वेपन्स, हर तरह के मिसाइल उनके पास हैं, लेकिन हम मोहताज हैं हर चीज़ के लिए चाइना के। नहीं, ये भी नहीं है, आप ये देखें कि इंडिया के पास सब कुछ है, उनके पास हौसले नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी है जो दिन रात हमारा दिफा कर रही है। तो एक तरफ आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो और अगर आपके पास हौसला ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंडिया जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना है और ये हमेशा रहेगा। So guys, look,
लगता है वो भाई साहब कुछ ज्यादा ही सास बहू की सीरियल्स आई थिंक घर पे देखते हैं, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कहा, वो भी वीडियो में, मतलब इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो यहाँ पे सास और बहू का सीरियल का वो मैटर को ले आते हैं, जहाँ एक बुढ़े के बारे में भी वो बोल देते हैं, जो कि गली के एक बुढ़ों के साथ कंपैरिजन हो जा रहा है। मतलब क्या है बॉस, यूएस के प्रेसिडेंट है वो, कुछ सोच समझ कर ही यूएस के वो प्रेसिडेंट बनाया गया है उन्हें, और उनके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं गले मोहल्ले के बुड्ढों के साथ, दादाजी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब क्या है यार, कहाँ की बात होती है। और वैसे ये बात तो है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है ना, वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। ये मैं नहीं, उनका कहना है, मैं तो बिल्कुल इस चीज पे अग्री नहीं करती हूँ, आई एम सो सॉरी, और ना कभी अग्री करूंगी इस मैटर पे। और वैसे लास्ट वाले बंदे ने जिस तरीके से कहा कि भाई पाकिस्तान बना है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमेशा रहेगा, तो जो चीज बना है उसका विनाश होना भी जरूरी है। जरूरी क्या, मतलब लिखित होता है ना भाई, जो चीज बनता है, पैदा होता है, उसका एक ना एक दिन तो खत्म होने का समय आता ही है, चाहे वो एक मोबाइल फोन हो या इंसान ही क्यों ना हो, तो इस बार देश ही क्यों ना हो भाई। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ हाँ, जरूर से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, एंड साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।